हेलो चिल्ड्रन, आज हमारा ईवीएस का टर्न है, तो हम ईवीएस में अपना फिफ्थ चैप्टर फूड वी ईट पढ़ेंगे। फूड वी ईट चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के भोजन होते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है, उसको हम फिल करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्दी फूड्स, मतलब जो नीचे 6 फूड्स के नाम लिखे हैं इनमें से कौन कौन से फूड्स हेल्दी हैं और कौन से फूड्स हेल्दी नहीं हैं, मतलब अनहेल्दी हैं। फर्स्ट है सैलेड, तो बताइए सैलेड क्या हेल्दी फूड है? इज सैलेड अ हेल्दी फूड? यस, सैलेड इज अ हेल्दी फूड। क्यों? क्योंकि इसमें कई प्रकार की सब्जियां आती हैं और सब्जियां हमेशा हेल्दी होती हैं। सेकेंड है फ्रेंच फ्राइज। आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज वैसे तो बहुत पसंद होंगे, पसंद है ना? हाँ, लेकिन क्या फ्रेंच फ्राइज हेल्दी फूड है? नहीं है, फ्रेंच फ्राइज हेल्दी फूड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्राइड होता है और कोई भी फ्राइड आइटम हेल्दी नहीं होता। थर्ड है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, यहाँ मैंने अभी आपको सैलेड में बताया था कि वेजिटेबल्स हेल्दी होती हैं, तो इसका मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स भी हेल्दी होंगी, तो यहाँ पर भी हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है फ्रूट। तो फ्रूट जो है वो हेल्दी फूड है, क्योंकि फ्रूट से भी हमको एनर्जी मिलती है, तो यहाँ पर भी हमने टिक लगा दिया क्योंकि ये हेल्दी फूड है। द नेक्स्ट वन इज पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल। दालें क्या हेल्दी फूड होती हैं? आप लोग सोचिए, बताइए क्या आपकी मम्मी आप लोगों को दाल खाने के लिए फोर्स करती हैं? करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि दाल भी एक हेल्दी फूड होते हैं, होता है। नेक्स्ट है बर्गर। बर्गर बताइए, बर्गर क्या हेल्दी फूड है? नो, बर्गर इज नॉट द हेल्दी फूड। तो ये हमारी वार्म अप एक्सरसाइज हो गई। इसमें हेल्दी फूड्स में आया सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। वी नीड फूड टू लिव। हमें खाने की जरूरत क्यों होती है? जीने के लिए। अगर हमको जीवित रहना है तो हमको उसके लिए भोजन की जरूरत होती है। जीवित रहने के लिए भोजन खाना जरूरी है। फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोजन जो है वो हमें स्वस्थ बनाता है और हमें ताकतवर बनाता है, मतलब खाना खाने से हम स्वस्थ रहते हैं और ताकतवर होते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी और हम कमजोर हो जाएंगे। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, भोजन से हमको एनर्जी मिलती है, मतलब शक्ति मिलती है, जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं या फिर खेल सकते हैं। दोनों ही चीजें हम भोजन की एनर्जी से करते हैं। मिल्क, कर्ड, रोटी, पल्स एंड राइस हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। मिल्क मतलब दूध, कर्ड दही, रोटी मतलब रोटी ही होता है, पल्स मतलब दाल, मैंने ऊपर आपको बताया था, और राइस मतलब चावल। इन चीज़ों से हमारे शरीर को बढ़ने में मदद मिलती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करती हैं। दे मेक आवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। ये सारे फूड आइटम्स, जितने भी खाने के आइटम हमने ऊपर देखे थे, हमारे मसल्स यानी कि मांसपेशियां और बोन्स मतलब हड्डियां, इनको मजबूत बनाता है। सम काइंड्स ऑफ फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि हमें भोजन से एनर्जी मिलती है, लेकिन कुछ प्रकार के भोजन होते हैं जिनसे हमको एनर्जी ज्यादा मिलती है, कोई भी काम करने के लिए या फिर खेलने के लिए। दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। उनको हम क्या बोलते हैं? शक्ति या फिर ऊर्जा देने वाले भोजन। जिस भोजन से हमको खेलने के लिए और काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है, उस भोजन को हम ऊर्जा देने वाला भोजन बोलते हैं। दीज इंक्लूड वीट एंड फूड रिच इन शुगर। ऊर्जा देने वाले भोजन में कौन कौन से भोजन शामिल होते हैं? एक तो होता है वीट, मतलब कि गेहूं, और दूसरा होता है ऐसे भोजन जिनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। शुगर मतलब चीनी,
जिनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे भोजन से हमको एनर्जी मिलती है। सर्टेन फूड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमें मदद करते हैं हमारी मांसपेशियों को बढ़ने में या फिर विकसित होने में और हमारी शरीर को ताकतवर बनाने में। कुछ भोजन होते हैं जिनकी मदद से हमारी मांसपेशियों का विकास अच्छे से होता है और हमारा शरीर ज़्यादा ताकतवर होता है। दीज फूड्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे भोजन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे भोजन को हम बोलते हैं शरीर निर्माण करने वाला भोजन। जिस भोजन से शरीर का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं शरीर निर्माण करने वाला भोजन। सम बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर मीट, फिश, चीज एक्सेट्रा। शरीर निर्माण करने वाले कुछ भोजन यानी कि फूड्स के एग्जाम्पल हैं मीट मतलब मांस, फिश मतलब मछली, चीज पनीर एक्सेट्रा आदि, और भी कई सारे होते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे फूड आइटम्स दिख रहे हैं। ये सारे फूड आइटम्स हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो होते हैं वो प्रोटीन में रिच होते हैं, उनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। सम फूड्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फॉलिंग सिक। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को बीमार होने से बचाते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। उनको हम प्रोटेक्टिव फूड या फिर रक्षात्मक भोजन बोलते हैं। ऐसे भोजन जो हमारे शरीर को बीमार होने से बचाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रक्षात्मक भोजन। दीज इंक्लूड फ्रूट एंड वेजिटेबल। रक्षात्मक भोजन में कौन कौन से भोजन आते हैं? पहला आता है फ्रूट यानी कि फल, और दूसरा आता है वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। तो फल और सब्जियां ऐसे भोजन हैं जो हमारे शरीर को बीमार होने से बचाते हैं। इसीलिए आप लोगों की मम्मियाँ आपको फोर्स करती होंगी ना कि ये फल खा लो, ये सब्जी खा लो, ग्रीन वेजिटेबल्स खा लो, अच्छा होता है। तो ये इसीलिए होता है ताकि हमारी बॉडी बीमार ना पड़ सके। हमने देखा कि भोजन तीन प्रकार के होते हैं, पहला एनर्जी गिविंग फूड, फिर बॉडी बिल्डिंग फूड और लास्ट में प्रोटेक्टिव फूड। अब हम देखते हैं कि भोजन हमें कहां कहां से प्राप्त होता है। प्लांट गिव अस फूड। पहले हमें भोजन मिलता है पौधों से, मतलब पौधे हमको भोजन देते हैं। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट। हमें फल और सब्जियां पौधों से मिलती हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि पौधे हमें फल और सब्जियां देते हैं। प्लांट गिव अस सीरियल्स लाइक वीट, राइस एंड कॉर्न। पौधे हमें गेहूं, चावल और मक्का भी देते हैं। यहाँ पर ये राइस की फोटो बनी है और यहाँ पर ये वीट की फोटो बनी है। ये दोनों ही हमें पौधे से मिलता है। दे गिव अस पल्सेस लाइक दाल, पी एंड ग्राम। पौधे हमें पल्सेस भी देते हैं जैसे कि दाल, मटर और चना। ये सब भी हमको पौधों से ही मिलता है। तो ये सारे फूड आइटम्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वीट, राइस, कॉर्न, दाल, पी, ग्राम, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। सीरियल्स एंड पल्सेस आर फूड ग्रेन। अनाज और दालें सब किस में आती हैं? अनाज में आती हैं। अनाज तो अनाज होता ही है और जितनी भी दालें होती हैं वो सब भी अनाज में ही आती हैं। एनिमल्स गिव अस फूड। अभी हमने देखा था पौधों से मिलने वाले भोजन, अब हम देखते हैं जानवरों से मिलने वाले भोजन। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफलोज एंड गोट्स। हमें दूध जो है वो गाय, भैंस और बकरी से मिलता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। वी मेक कर्ड, घी, बटर एंड चीज फ्रॉम मिल्क। हम उस दूध से दही, घी, मक्खन और पनीर को बनाते हैं। जो दूध हमें गाय, भैंस और बकरी से मिलता है उससे हम क्या क्या बनाते हैं? दही, घी, मक्खन और पनीर। यहाँ पर आपको ये फोटो दिख रही है, ये है दूध, इससे बना घी, मक्खन, चीज और पनीर। ये सारे आइटम दूध से ही बनते हैं। हेंस एंड डक्स गिव अस एग। मुर्गी और बत्तख हमें अंडे देती है। कुछ लोग होते हैं जो अंडे भी खाते हैं, तो वे मुर्गी और बत्तख के अंडों को खाते हैं। सम पीपल ईट द फ्लैश ऑफ
एनिमल्स लाइक फिश, हैन एंड गोट्स। कुछ लोग होते हैं जो मांस खाते हैं जानवरों का, तो वो कौन से जानवरों को खाते हैं? वो खाते हैं मछली को, मुर्गी को और बकरी को। इन तीनों जानवरों के मांस को लोग खाते हैं। ये देखिए यहाँ पर है हैन यानी कि चिकन, फिश और एग्स, ये सारे हमारे भोजन होते हैं। पीपल हु ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो लोग सब्जी, फल, अनाज और दालों को खाते हैं उनको हम बोलते हैं वेजिटेरियन। जो लोग पौधों से मिलने वाला भोजन खाते हैं, ज़्यादातर जो पौधों से मिलता है भोजन उसको खाते हैं, उनको हम बोलते हैं वेजिटेरियन। पीपल हु ऑल्सो ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। और जो लोग इन सब भोजन के साथ मीट भी खाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, मतलब मांसाहारी। वेजिटेरियन शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, दो तरीके के लोग होते हैं। जो फल सब्जी वगैरह खाते हैं उनको बोलते हैं वेजिटेरियन, और जो मांस खाते हैं उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। फूड दैट वी ईट शुड बी फ्रेश, क्लीन एंड वेल कुक्ड। हम जो भी भोजन खाते हैं वो एक तो ताज़ा होना चाहिए और साफ होना चाहिए और अच्छी तरीके से पकाया हुआ होना चाहिए। आधा पका हुआ भोजन हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमारा भोजन ताज़ा, साफ और अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर EVS का, चैप्टर नंबर 5, फूड वी ईट। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो गुड बाय फॉर नाउ।